गरीब है कारण कोई लगे तो ये पैसा आए लो। दोस्तों आज का वीडियो जय राम दादा टाइगर ने क्या बोला वो आपको देखकर भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा। वीडियो बने रहे आखिर। जबकि खासकर तोरा तो ज्यादा चिंता करे चाहिए, तोरा हल्का सा प्रॉब्लम पाम है प्रॉब्लम हो तो भाई कम से कम गुटखा दारू और जे भुंजे हैं ना ना वो भुंजे भुंजे ना करे अगर आप गरीब है तो 2 रुपया के जगह में 4 रुपया का बनाने का कोशिश कर, या 2 रुपया कमा रहे हैं तो 2 रुपया उड़ाने का कोशिश मत करो। हम गरीब घर दिया पता लगे तो अगर हमें 2 पैसा कैसे कम हुआ है तो तैयार करके हम अमीर कैसे बनवे, तो 2 पैसा से 20 पैसा कैसे बेटा सोचे ना, तो 2 पैसा कमे ले आधे बेरा डुबले गए बैठ गए ताड़ी गोदाम में माड़ी गोदाम में। तो अगर गरीब है और अपने बाद में तो 2 पैसा कमाए रहा है तो 2 पैसा के 4 पैसा करे के प्रयास कर। आप देखते हुआ में गुटखा तुबल है कुछ देर पहले तो हुआ से खाई के हमने देख लियो। आप जाते शाम को हो जाता है तो चला जाता है ठेका पर जहाँ पर पोटली मिलता है दारू मिलता है वहाँ पर चले जाते हैं पी लेते हैं, तो भैया 2 रुपया के 4 रुपया कहाँ होगा, वो तो आपके पास खत्म ही होगा ना। तो जैसे कि जयराम दादा ने बहुत सारा अच्छा कुछ समझाया कि आप जो भी आपको 2 हाथ दिया 2 पैर दिया, जिसमें भाई बोल रहा है कि मेरा पांव नहीं है पैर नहीं है तो ठीक आपका पैर नहीं पर हाथ दिया है अच्छा दिया है तो आप गुटखा मावा जो खाता कम से कम वो तो छोड़ दिया करो मेरा भाई। सही तो बता रहे हैं आप, इतना अच्छा कौन समझाएगा भाई, इतना भाई अपना भाई भी नहीं समझाता है अपना बाप भी नहीं समझाता इस तरह का चीजें। और आए हो दोस्तों जयराम दादा का वीडियो पूरा देखिएगा कि किस तरह से बयान दे रहे हैं। गरीब है कारण कोई लगे तो ये पैसा आए लो तो दारू पिए तो ये पैसा लगा के मैं सच में यार गरीब आदमी जो है ना अपना सोच से गरीब बनते हैं। हम आज से कुछ सालों पहले देख रहे थे जो भाई कच्चा मकान था आज भी वो भी अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा मकान बना लिया। इन हम लोग क्या है गरीब गरीब रह गए क्यों, हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम गरीब रह गए, क्योंकि हमारा पीढ़ी है ऊपर वाले और नीचे वाले की बात कर रहे हैं। तो 2 रुपया कमाया ठेका पर गया दारू पी लिया गुटखा खाया मावा खा लिया पैसा साफ तो बचेगा क्या बाबा जी के टुल्लू। तो इस तरह से बहुत अच्छा बयान दिया, मुझे सैल्यूट मारता हूँ जयराम दादा को टाइगर को। और इस तरह से अच्छे अच्छे अगर बयान दे रहे हैं इतना अच्छा कौन देता है यार। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।